नमस्कार, फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चले रुक करते खबरों की ओर। इंडिया गेट पर सुशोभित की गई सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। नेताजी की उपलब्धियों को किया गया याद। नेताजी के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम बोले, आजादी के बाद कई महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने की हो रही कोशिश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उपराष्ट्रपति के सचिव ने रविवार को ट्वीट कर दी जानकारी। हैदराबाद में जांच के बाद संक्रमित पाए गए थे उपराष्ट्रपति। पीएचयू में डॉक्टरों ने पेश की अध्ययन रिपोर्ट। कोरोना टीका लगवा चुके लोगों में संक्रमण का असर कम। कोरोना संक्रमितों के सीटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर हुआ अध्ययन। राजस्थान में रविवार को कोरोना के 14,162 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 93,442 पर पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। खराब रिकवरी रेट ने बढ़ाई चिंता। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, आजादी की लड़ाई में नहीं रही इनकी कोई भूमिका। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में शुरू से ही थे मतभेद। 2022 चुनाव को लेकर पार्टियों में घमासान जारी। यूपी में बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। चन्नी के मंत्री ने किया अपनी पार्टी का विरोध। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली पर भी जल्द करेंगे कब्जा। इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो की नीति पर काम कर रही है बीजेपी। 122 साल में दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पूरे हफ्ते पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से जारी बारिश और भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। हाईवे पर भूस्खलन और बर्फ की फिसलन से फंसे हजारों वाहन। फटाफट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एटीपीवी न्यूज।